मैट्राइज की सर्वे आ गया है हरियाणा को लेकर, आंकड़ा आपको बता देते हैं। मैट्राइज एजेंसी भी कांग्रेस की ही सरकार बना रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े में बीजेपी 18 से 24 पे सिमटती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस जो है वो बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मैट्राइज के सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस सरकार 55 से 62, ये अनुमान जो मैट्राइज की तरफ से हरियाणा को लेकर जताया गया है। तो एग्जिट पोल का ये एक और नंबर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये मैट्राइज एजेंसी, इसके जरिए कांग्रेस 55 से 62 सीटें तक हासिल कर सकती है। मतलब अभी तक हरियाणा को लेकर जो दो अलग अलग एजेंसी के नंबर हमने आपको दिखाए, कमोबेश दोनों का एक ही तरह का रुझान आ रहा है। दोनों में ही कांग्रेस 55 पार जाती हुई नजर आ रही है। दोनों में ही कांग्रेस बड़ी जीत के साथ हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और दोनों ही के सर्वे में बीजेपी जो है वो 30 से नीचे, यहां मैट्राइज में तो 18 से 24 और वहां दूसरी तरफ इससे पहले जो ध्रुव रिसर्च का मैंने आपको आंकड़ा दिखाया था उसमें बीजेपी को 27 सीटें दी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर एक और एजेंसी का सर्वे और हरियाणा में इस समय दोनों ही एग्जिट पोल के आंकड़ों में फिलहाल हाथ मजबूत होता हुआ, कमल मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। दिबांग जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये साफ दिखाता है कि चाहे किसान हो, अग्निवीर हो, दलित हो, जाट हो, पहलवान हो, उनका जो गुस्सा है वो अभी भी बरकरार है और ऐसा नहीं है कि ये कोई काठ की हांडी है कि बार बार नहीं चलेगी। लोगों का गुस्सा है उसको वैसे ही समझना चाहिए, शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं लेकिन थोड़ा ऐसा प्रयोग ना करें कि वहाँ लोगों को बुरा लगे। जहाँ तक अगर कोई प्रधानमंत्री की रैलियों को डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे लगता है कि प्रवक्ता हैं तो इससे ज़्यादा उनके लिए और कहना बनता भी नहीं है क्योंकि मामला प्रधानमंत्री का है, मामला उनसे कहीं ऊपर का है। मामला किस तरह से बीजेपी की राजनीति आने वाले दिनों में खुलने वाली है, वहाँ क्या क्या बड़ी घटनाएँ होने वाली हैं उस ओर भी इशारा करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत, अभी तो आंकड़े आने शुरू हुए हैं, इन आंकड़ों को देखिएगा, इन आंकड़ों में ये बात साफ दिखाई दे रही है मुझे कि अभी भी गुस्सा बरकरार है। बिल्कुल आदेश, क्या यहाँ पर डैमेज कंट्रोल कर सकती थी बीजेपी या बीजेपी इसी चक्कर में मात खा गई कि साहब ये काट की हांडी है और ये बार बार नहीं चढ़ सकती है? आदेश नहीं, देखिए रोमाना पैटर्न समझिए, पैटर्न क्या है, 2024 के लोकसभा चुनाव में दो पार्टी में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, दोनों को 5-5 सीटें आई। मैं कहूँगा बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, संविधान का मुद्दा, जो कि कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा में ऑलरेडी दलित वोट बैंक है। पिछले 20 साल से उनके पास जो उनके अध्यक्ष हैं वो दलित कम्युनिटी से आते हैं। अब उसी पैटर्न पे विधानसभा चुनाव हो रहा है जो कि हरियाणा की रीजनल पार्टीज़ के लिए चिंता का विषय है कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दों पे राष्ट्रीय पार्टियों को हरियाणा की जनता इंपॉर्टेंस दे रही है। तो INLD, JJP, आम आदमी पार्टी, जो जिसने इस बार वहाँ पे अपना डेब्यू किया है, इन सब पार्टीज़ के लिए चिंता का विषय इसलिए है कि आपको नकारा जा रहा है लोकल इश्यूज़ में भी, यानी जो सीट वाइज इलेक्शन है, जो जातिगत समीकरण पे इलेक्शन है, जो इलेक्शन लोकल इश्यूज़ के ऊपर है, वहाँ पे भी राष्ट्रीय पार्टियों को चुन रहे हैं, तो रीजनल पार्टियों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, JJP और INLD तो कहते रह गए ना कि साहब रीजनल पार्टीज ही ओरिजिनल पार्टीज हैं, यही हमारा फलसफा रहा है, लेकिन इस बार क्या हरियाणा इस फलसफे को दरकिनार कर रहा है? इस बार क्या हरियाणा परंपरा को खारिज करता हुआ, क्योंकि अभी तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव में क्या होता रहा है, जिसकी केंद्र में सरकार रहती है वही विधानसभा चुनाव भी जीतता है, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो कुछ और दर्शा रहे हैं। हरियाणा को लेकर एग्जिट पोल का आंकड़ा ये कह रहा है कि कमल मुरझा रहा है और कांग्रेस 10 साल बाद हरियाणा की सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News आपको रखे आगे।